एज द प्रोड्यूसर आपने कब एंट्री किया थर्टफुल इंडस्ट्री में? एंट्री करके लगभग 3 साल हो गया। फिर आपने कोई किरदार क्यों नहीं किया? मैं जी मैं क्यों किरदार करूं भाई, किरदार करने के लिए कलाकार मौजूद है, हम बिहाइंड द सीन से अच्छे हैं। सर मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो मूछें है, एक भोजपुरी इंडस्ट्री में विलेन के तौर पर बहुत जबरदस्त लग रही है। कभी किसी ने कहा नहीं, तो मैंने कभी सोचा नहीं। कभी आपने बाथरूम में आपने आपसे आईना में बात किया? बहुत बार। कभी आपको ऐसा नहीं लगा मुझे भी किसी फिल्म में विलेन का रोल करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं लगा मुझे। चलिए आज इस खूबसूरत लोकेशन पे आप क्या कर रहे हैं? खूबसूरत तो मेरे जो फ्रेंड है अमरीश जी और अवंतिका यादव जी, उनको मिलने आए, उनका शूटिंग देख रहे हैं और हम लोग आगे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, 2-3 पिक्चर बनाने का हमारा प्रोग्राम है, उसका डिस्कशन के लिए आए हैं। आपकी पिछले फिल्म लव मैरिज काफ़ी सफल हुई थी, आपने भोजपुरी के शेरनी और भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार को एक साथ मिलाया था, उसके बारे में कुछ बताए। भोजपुरी की शेरनी तो समझो मैं मीडिया में देखा, बाकी तो वो इतनी मतलब नेचर अच्छा है उसका, बात करने का अच्छा है, कभी कोई इश्यू नहीं था, कुछ नहीं था, और अमरीश जी से तो मेरा फ्रेंड जैसा रिलेशन है, तो मौका मिला तो हम फिर करना चाहेंगे उनके साथ। आप बताएं चाहे ना बताएं, लेकिन बलम केसरिया के प्रोड्यूसर आप इस बारे में फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? बलम केसरिया? नहीं, मैं नहीं प्रोड्यूसर हूँ उसका। चलिए तो अमरीश जी को क्या बधाई देंगे आप? अमरीश जी को यही बधाई दूंगा, उनका जो नेचर है, उनका जो व्यवहार है, उनका ऐसे बना रहे, उनका करियर अच्छा बनते अच्छा चलते जाए, वो आगे काम करे, डेडिकेटेड फिल्म स्टार है, भोजपुरी में अपना नाम का है, और मैं तो चाहूँगा बहुत जल्दी हिंदी इंडस्ट्री में भी कदम रखें। हिंदी में उन्होंने कदम रख चुके हैं और प्रीति झरियानी जी के साथ उन्होंने लेकिन वो वन ऑफ था ना, वो तो टाइम भी हो गया उसको, मैं चाहता हूँ कि उनको रेगुलर फिल्म करें, जैसे अपने रवि किशन जी है, उनका मार्ग जैसा है, हिंदी में भी है, तेलुगु में भी है, तमिल में भी है, भोजपुरी में तो है ही है, वैसे उनको भगवान करे कि उनको मौका मिले आगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। गोरखपुर में अच्छा, तो जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, गंगा जी नहाने गए कि नहीं? अरे बहुत बार। अभी हाल फिलहाल? अभी मैं ये वीक में जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली एक चीज का वेट कर रहा हूँ, तो शायद 2-3 दिन में मैं चला जाऊँगा, अयोध्या जी का दर्शन भी करने जाऊँगा और काशी विश्वनाथ का दर्शन भी। जब तक आप नहाने जाओ तक मामला ठंडा हो जाए। आजकल यूपी में दो ही चीज़ चल रही है, एक तो मोदी जी का गंगा स्नान, एक मोदी जी का काशी विश्वनाथ दर्शन, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यह भारत का सौभाग्य है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जैसे जी जैसा मिला, और उत्तर प्रदेश का भी सौभाग्य है कि हमको मुख्यमंत्री योगी जी जैसा मिला है, कि संत के जैसा सीएम कोई हो नहीं सकता, उनको अपने लिए थोड़ी काम करना है, उनको समाज के लिए काम करना है, और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, ईश्वर का आशीर्वाद, ये देवीय शक्ति होता है जिससे ये आशीर्वाद मिलता है कि लोगों का सेवा कर सके, और ये उनको मिला और हमारा सौभाग्य है। बहुत जल्दी भी हम यूपी में कुछ काम करना चाहेंगे, जिसके वजह से हम लॉ एंड ऑर्डर की वजह से यूपी जो छोड़ के आए थे, यही लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हम वापस यूपी जाना चाहेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। अवंतिका जी इतना सजा से किसका इंतजार कर रही हैं? जी नमस्कार, मैं अवंतिका यादव और आप सबको मेरा प्रणाम। मैं इंतजार अपने हीरो का कर रही हूँ और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, और आप लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा मुझे देखने के लिए। कौन है आपका हीरो, किसके लिए इतना बेचैन है ना? फिलहाल तो रियल लाइफ में अभी मेरे हीरो हैं अमरीश सिंह जी, जिनके साथ में अभी फिल्म की शूटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये लास्ट सॉन्ग है जो कि आज शूट हो रहा है। अच्छा, तो अमरीश जी के लिए इतना संघर्ष के तैयार है? हाँ, रियल लाइफ। रियल लाइफ में किसके साथ चलना चाहेंगे? रियल लाइफ वाला तो मिल ही नहीं रहा है, कितना खोज रहे हैं फिर भी नहीं मिल। काहे नहीं खे मिला? नहीं खे मिला, का जाने कहां लुकाई बने। का खूबी चाहता, कैसन खूबी चाहता नहीं? खूबी बस अच्छा फिजिक्स होए और नेचर का अच्छा होना चाहिए, और क्या थोड़ा पैसे वाला होना चाहिए ताकि मुझे झेल पाए। अगर खाली पैसे वाला हो तो नहीं चलेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ पैसा तो मैटर नहीं करता है, मतलब सब कुछ अच्छा होना चाहिए। फिल्म में बात करें, फिल्म में आप किस किरदार में हैं और क्या चैलेंजिंग मानती है इस रोल को? इस फिल्म में मेरा बहुत ही अच्छा रोल है, और मैं हालांकि
मैं बहुत छेड़ू रहती हूँ और बहुत पटाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझसे पट नहीं पाते हैं और उनकी शादी किसी और से हो जाती है। ये मैं पूरी क्या बता रही हूँ आपको, सॉरी मैं नहीं बताऊंगी। जाहिर सी बात है, कहीं वापिस मतलब मैं छेड़ने वाली रहती हूँ। बात की जाए तो कहीं वापिस सानिया मिर्जा भोजपुरी इंडस्ट्री में तो नहीं आ गई? नहीं, हम अवंतिका यादव है। जादू जी का मतलब यादव जी को आप नहीं देख सकते हैं, सानिया मिर्जा जी को देख रहे हैं। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत लेजेंड है, बट ठीक है, अभी हमारा टाइम चल रहा है और चलेगा। भोजपुरी दर्शक आपसे बहुत नाराज हैं। क्यों, मैंने क्या कर दिया? सोचिए क्या कर दिया। ए हम का कहले बनी है वो लोग के रुआ, ये कहले बने की आजकल लाइव देखिए और का है, सारा इंडस्ट्री लाइव आ जाता है। सारा इंडस्ट्री आवता लाइव, हम आवे नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा ना आवे नहीं, और काई भेड़ चाली में घुसी। बात ऐसा लगे भेड़ चाली में घुसला के बात नहीं, पर अगर पहचान बनाए तो घुसेगा तो करबे करी। हाँ नहीं, वो तो है, लेकिन मतलब किसी के मैटर में हम क्यों घुसेंगे। जाहिर सी बात है, बट जिस परिवार में आदमी रहेगा उस परिवार की सारी खबर तो रखेगा ना। नहीं, खबर सारी चीजें की, सारी चीजों की खबर रखते हैं और सारी चीजें पता भी है, लेकिन ठीक है ना, वो हमसे बड़े हैं, वो लोग जो कर रहे होंगे अच्छा ही कर रहे होंगे, और बुरा भी कर रहे होंगे तो उनको खुद ही समझ होगा। हम क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि हम तो अभी हम अपने आप को उस लायक नहीं समझते कि हम कुछ बोल सके उनके मैटर में। अच्छा, जब आपने खबर आपको सारा पक्का मालूम है तो सही कौन है गलत कौन है? आप बताइए, जब सब हमें तो नहीं मालूम, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। गलत कोई नहीं है और कोई सही भी नहीं है, सारे लोग अच्छे हैं, और सारे एक जगह जहाँ एक फैमिली होती है वहाँ पे कुछ बर्तन खटखट खटखट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बर्तन गंदे हैं या फिर बर्तन को हमें फेंक देना चाहिए। बर्तन सारे अच्छे होते हैं, फिर हम वापस से धो लेंगे, वापस उसको सजा कर रखेंगे, तो सारे लोग अच्छे हैं, बस खटखट खटखट होते रहता है। फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे फिल्म के डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, पांडे सर जी, तो और बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस पूरी फिल्म को बनाया है और सजाया है। तो जब भी ये फिल्म आएगी प्लीज आप सब देखना अपनी प्यारी सी अवंतिका यादव को। अवंतिका जी, रील आप बहुत बनाती हैं, बट इन दिनों में आपका रील देखा नहीं। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी जो पहले की आईडी थी वो किसी ने हैक कर ली थी, मतलब उसमें कुछ 80,000 फॉलोअर्स थे जब भी मेरी, मतलब उस समय तो रील्स अभी मेरे कितने 4-5 महीने हो गए मेरी आईडी को हैक किए। फिर मैंने थोड़े दिन के बाद, मतलब मैं तो लगा कि यार छोड़ो क्या ही बनाना, अब इंस्टाग्राम एक बार हैक हो गया तो। फिर मुझे बहुत लोगों ने बोला कि नहीं आपको दोबारा से बनाना चाहिए, क्यों क्या हो गया, अगर किसी ने आपका आईडी हैक किया, आपका टैलेंट तो हैक नहीं किया। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है फिर बनाते हैं। फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया और अभी मेरे कुछ 27-28,000 फॉलोअर्स हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि पूरा इंडस्ट्री पानी पानी हो गया, उसमें भी आपका रील नहीं आया। रोमांटिक राजा की एंट्री हो चुकी है, आपका रील नहीं है। कब रील बना के आप पोस्ट करेंगे? मैं अभी मैं रील बना ही रही थी पानी पानी में और रोमांटिक राजा, दोनों में रील्स बना रही थी, और मैंने वो जिंदगी वाले सॉन्ग में बना भी चुकी हूँ मैं। फिर आगे और अभी मैं पानी पानी रील्स में अभी बनाऊंगी। चले जाते रहते, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं दर्शकों से यही बोलना चाहूंगी कि इस प्यारी सी छोटी सी लड़की पे आज अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और प्लीज मेरी फिल्म जब भी रिलीज होगी तो आप सब जरूर देखना। और मैं ऐसे खा रही हूँ, ये सेंटर फ्रेश है, तो आप लोग कुछ गलत मत सोचना। थैंक यू सो मच। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। प्यार से अंदर से आवाज आना चाहिए, वैसे मैं बोलूंगा तो मेरी नजर कहीं और जा रही है, बट अंदर से आवाज आनी चाहिए, वहां से आप दर्शकों को भोजपुरी। रउआ लोग के हमार प्रणाम बा, और प्लीज रउआ सब अपन आशीर्वाद प्यार हमरा पे बनाए के रखी, और हमार जो भी फिल्म आए उपरा के, जिससे रउआ लोग सारा फिल्म के सपोर्ट करी ना, वैसे हमरा के भी सपोर्ट करी और बहुत आगे तक लेके जाएं, ताकि रउआ सब आशीर्वाद देम जा तबे हम आगे बढ़ पाए, ना तो हम कोई काम के, हम का कोई भी स्टार, कोई भी हीरोइन हीरो कोई काम के ना रही अगर रउआ लोग आशीर्वाद ना दे। Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.